वेलकम टू सफ़ा मोमिना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सफ़ा मोमिना चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था मैंने दो हैंड ब्लेंडर्स और दो चॉपर्स और एक न्यूट्रीबुलेट का एक्स्ट्रा प्लेट ऑर्डर किया था वाओ बाज़ार से। अच्छा, चॉपर का मुकम्मल रिव्यू मैं अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब आती है बारी स्टिक ब्लेंडर या हैंड ब्लेंडर की। आई एम सो एक्साइटेड फॉर शेयरिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने इसको परचेज किया। डिज़ाइन फॉर अर्जेंटीना है। 220 से 240 इसकी वोल्टेज है। 700 वॉट की इसमें मोटर यूज़ की गई है। मेड इन चाइना है। अच्छा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसको जब ऑर्डर किया था मुझे बहुत शौक था इसको यूज़ करने का, बिकॉज आई हैव न्यूट्रीबुलेट ऑलरेडी हैव न्यूट्रीबुलेट एंड इसके अलावा नेशनल की, इसके अलावा मेरी मतलब और बहुत सी जूसर्स हैं हमारे घर, लेकिन ये जो थी ना इसको काम, मैंने जब इसको परचेज़ किया और मैंने इसको यूज़ किया तो इससे काम हो गया बहुत बहुत आसान। वाकई भाई, जो हम स्मूदी बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, हमें डेली बेसिस पे बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। अगर माएँ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको बना के दे सकती हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जिम जाने वाले हैं, सबको बना के दे सकती हैं। 4 ब्लेड्स का इसमें यूज़ किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ है। स्टेनलेस स्टील है, स्मार्टेक का है। इसमें डबल स्पीड दी गई है, सिंगल और डबल, तो जो आगे जाके वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से अलग हो जाता है और दोबारा से इसको क्लिक करने पर, यानी मुझसे फर्स्ट टाइम पे नहीं हो रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से किया था, ठीक है, तो लेकिन अब तो मुझे आ गया है करना, ठीक है। और अच्छा, इसको मैंने पैचअप कर लिया और उसके बाद मैं इसको चला के दिखाऊंगी। इसके साथ मुझे जार वगैरह कुछ भी नहीं मिला था, सिंगल ये स्टिक ब्लेंडर ही था। अच्छा, मैं मैंगो शेक बना रही हूँ यहाँ पे, आप साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें 4 ब्लेड यूज़ किए गए हैं, स्टेनलेस स्टील है और ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ है। और वीडियो मेरे भाई बना रहे हैं जो कि मुझे जल्दी करो जल्दी करो, पीछे मेरी बच्ची भी रो रही थी। यहाँ पे देखिए, मैंने स्पीड बताई है कि ये सिंगल स्पीड है और ये डबल स्पीड। अच्छा, पल्स फॉर्म में इस्तेमाल करना है, पहले सिंगल और फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ है तो उसमें आपने यूज़ नहीं करना, कम क्वान्टिटी वाली में यूज़ करना है। कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, रेगुलर बेसिस पे, होम बेसिस पे जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे ना डेली रूटीन में, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, स्मूदी बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है। इसके अलावा मैंने इसको यूज़ करते हुए मुझे 4 to 5 months हो चुके हैं, जब मैंने ये वीडियो तब रिकॉर्ड की थी जब इसको मैंने अनबॉक्स किया था, लेकिन इसको यूज़ करते हुए जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे 4 to 5 months हो चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, मैंने तकरीबन हर चीज़ ही इससे ब्लेंड की है, हर चीज़, मतलब प्याज, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा पानी डाल के, ऑयल डाल के आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेवी बनानी है, सालन की साग बनाना है, हलीम बनानी है, कुछ भी बनाना है फ़ौरन से कर देगा। लस्सी बहुत अच्छी बनती है, ये देखिए कितना मक्खन आ गया है, थोड़ी सी लस्सी थी, हालांकि मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया इसको भी, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप भी ऐसी ही किसी तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये आप जी ले लें आंखें बंद करके, ज़बरदस्त है, ठीक है। तो होपफुली कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, ऐसा थम्सअप दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।